हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब जैसे आपको बताइए इस जैकेट के वन बाई वन में सारे पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज ही इसके मोढ़े की आगे वाले दोनों पल्लों में मोढ़े की घटाई हमने कैसे डालनी है और गले में कैसे वी शेप नेक की घटाई देनी है ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो अगर अब तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट देखिए तभी आपको वीडियो के बारे में सारा समझ आएगा क्योंकि वन बाय वन में इसके सारे पार्ट डाल चुकी हूँ पांच पार्ट मैंने इसके डाल दिए हैं आज इसका छठा पार्ट है तो दोनों तरफ से कोई भी आप पहले पल्ला उठा सकते हैं चाहे ये ले लें ले, चाहे ले ले ले, ये ले लें चलिए हम ये ले लेते हैं अब यहाँ पर पहले हमने इसकी घटाई शुरू करनी है थ्री एक्सएल के लिए हम बना रहे हैं इसे तो इसमें जैसे हमारे फंदे भी ज़्यादा हैं तो घटाई भी नॉर्मल से ज़्यादा डलेगी जैसे नॉर्मल हम डालते हैं पाँच तीन दो एक की लेकिन इसमें कितनी डलेगी पाँच चार तीन दो एक की जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में डाली है वैसे ही हम आगे वाले पार्ट में भी डालेंगे तो पहले हमने यहाँ पर अपने पाँच फंदों की घटाई करनी है तो दो फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में लेंगे पीछे से दो का एक कर देंगे इस तरह से फिर इस पल्ले को इस फंदे को और इस फंदे को लेंगे पीछे से दो का एक कर देंगे ये दो फंदों की होगी फिर से एक फंदा ये एक ये इन दोनों को पीछे से ऐसे बनाएंगे दो का एक कर देंगे तीन की फिर से एक फंदा ये एक ये इन दोनों को ऐसे बनाएंगे ये चार फंदों की फिर से एक फंदा ये एक ये इन दोनों को दो गाई कर देंगे ये पांच फंदों की पांच फंदों की कटाई कंप्लीट करने के बाद अब बाकी के ये फंदे जैसे हमारे डिजाइन के हिसाब से सीधे ही आ रहे हैं और इसकी लेंथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पीछे वाले पार्ट में भी बताया था कि लेंथ इसकी आपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग बनानी है ठीक है और ये पूरी डब्बी देखिये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है पूरी डब्बी कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी अब फर्स्ट रो डलनी थी वहीं पर मैंने ये घटाई डालना स्टार्ट किया है तो इन फंदों को सीधा ही बनाना है हमने अपने डिजाइन के हिसाब से भी सीधा ही बनाना है यहां से हमने दो का एक करना है वो सारा हम दो का एक यहाँ पर करेंगे अभी अभी डब्बी हम ऐसे ही सेम टू सेम चलाएंगे इसकी। ये फंदे सीधे बनाए फिर धागा अपनी तरफ किया यहाँ पर उसी तरह से सेम ऐसे ही रो को कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर जैसे हम अब तक बनाते आ रहे हैं उल्टी तरफ से देखिए ये पूरी रो उल्टी बनाने के बाद इस लास्ट के फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है इस फंदे को नहीं बनाना है हमने ऐसे ही उतार लेंगे अब सीधी तरफ से हमने अपने चार फंदों की घटाई करनी है तो दो फंदों को ऐसे एक साथ में लेंगे इस बिना बुने हुए फंदे को पहले ऐसे उठाकर ऊपर से गिरा देंगे ये एक फंदे की होगी एक फंदा ये एक ये इन दोनों को दो एक कर देंगे ये दो फंदों की फिर से एक फंदा ये एक ये इन दोनों को दो का एक करेंगे तीन की एक ये एक ये इन दोनों को दो का एक करेंगे चार फंदों की चार फंदों की ये घटाई डल गई है हमारी अब बाकी की रोज सेम वैसे ही डिजाइन के हिसाब से जैसे हम डाल रहे हैं ना वैसे ही सेम डालते जाएंगे यहाँ पर दो का एक कर देंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे ये फंदों को तीन फंदों को सीधा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ जैसे हमारी रो डल रही है पूरी ऐसे ही डालेंगे उल्टी तरफ से फिर से आपने एक फंदा ये वाला ना बिना बुने रख लेना है फिर सीधी तरफ से हमने तीन फंदों की घटाई डालनी है जैसे पहले हमने ये पांच की डाली फिर चार की डाली फिर तीन की डलेगी और जे वाले देखिए एक फंदा जब हम बिना बुने रख लेते हैं जो ऐसे घटाई डालते हुए सीढ़ियां सी बनती है ना वो नहीं बनेगी आपके ऐसे स्मूथ घटाई डल जाएगी तो पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं अब यहाँ पर हमने तीन फंदों की कटाई करनी है दो फंदों को ऐसे लेंगे और इस फंदे को बिना बुने वाले को पहले ऊपर से गिरा देंगे ठीक है ये एक फंदे की होगी एक फंदा ये वाला एक ये वाला इन दोनों को पीछे से दो काय कर देंगे ये दो की फिर से एक फंदा ये एक ये इन दोनों को दो काय करेंगे ये तो तीन फंदों की कटाई होगी अब यहाँ पर दो काय करने के लिए फंदा नहीं है तो जाली भी नहीं डलेगी तो इन फंदों को ऐसे ही सीधा बनाएंगे हम ठीक है इस तरफ से इसी तरह से सीधा सीधा बना लेंगे यहां जाली तक अब यहां से हमने सेम वैसे ही डिजाइन डालना शुरू करना है तो धागा अपनी तरफ कर लेना है इन दो फंदों को उतारेंगे ऐसे लेंगे वापस लाई में दो का एक कर देंगे फिर ये वाले फंदे बाकी का डिजाइन सेम वैसे ही सीधी और उल्टी तरफ से रो बना के कंप्लीट करेंगे इस एक फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे अब यहाँ पर हमने दो फंदों की कटाई करनी है तो दो फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे इस पीछे वाले फंदे को उठाएंगे ऊपर से गिरा देंगे ये एक फंदे की होगी एक फंदा ये वाला एक ये वाला अब इन दोनों को दो का एक कर देंगे तो टोटल ये दो फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रोज जैसे हमारी डर रही है सेम टू सेम वैसे ही इसे डालते जाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली बनानी है और ये बबल वाली हमारी रो आ गई है ये ऐसे ही सेम टू सेम बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे अब यहाँ पर सिर्फ हमारे एक फंदे की घटाई रह गई है तो इन दो फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे अब इस पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे ये यह हमारी यहाँ पर घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है ठीक है अब इसके बाद आगे हमने जो डिजाइन चलाना है वो बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए जैसे स्टार्टिंग में हम दो का एक कर रहे थे वैसे ही यहां से दो का एक चला लेंगे हम इस तरह से दो का एक किया एक फंदा ये हो गया ये दो तीन चार पांच छ सात आठ फंदे और ये एक नौ नौ फंदे सी थे ठीक है और यहां पर आपने जाली भी डाल लेनी है अब यहां से सेम वही डिजाइन जैसे हम डालते आ रहे हैं वैसे ही तीन का एक करना है बस स्टार्टिंग में हमारा और यहां पर हमारा जैसे पहले भी हम दो का एक कर रहे थे ना सेम ऐसे ही हमने यहां पर दो का एक चला लिया है पहले भी हम यहां पर देखे ऐसे ये करते थे ना यहाँ पर दो का एक इस तरह से करते हुए ये वाला डिज़ाइन यहाँ ये यहाँ आएगा और यहाँ पर हमारा बबल सेम टू सेम ऐसे ही आके चलता जाएगा तो ये तो हमारा ये वाला डिज़ाइन हो गया अब हमने यहाँ पर गले के फंदे भी कम करने हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आ जाइए सेम वैसे ही डिज़ाइन को बनाते हुए फिर यहाँ से हमने दो का एक करना स्टार्ट करना है अब यहाँ तक देखिए ये मैंने ना सीधे ही फंदे बनाए हैं यहाँ पर हम दो का एक कर रहे थे ना यहाँ पर दो का एक ये वाला जाली डालकर ये मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ से हमने अपने गले की घटाई डालना शुरू की है तो ये प्लेन ऐसे ही सीधे फंदे बना लिए हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये एक ये इन दोनों फंदों को दो का एक कर देंगे सेम ऐसे ही उल्टा बनाते हुए इस तरह से फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इस फंदे को उतार लेंगे और बाकी के ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बटन पट्टी के फंदे सेम वैसे ही उल्टे उल्टे बना लेंगे उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही रो आएगी। उल्टी तरफ से हमारी कोई गले की घटाई नहीं डलेगी मोडे की घटाई तो हमारी कंप्लीट ही हो गई है गले की भी सेम हमने इसी तरह से बनाते जाना है पीछे से भी वैसे ही सेम बनाएंगे ये वाला फंदा जो हम सीधा बना रहे थे उल्टी तरफ से इस फंदे को हमने सीधा बनाते जाना है आगे भी ऐसे ही सीधा बनाते जाएंगे बाकी की पूरी रो बना लेंगे उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से अब देखिए यहां पर पहुंच गए अब फिर सीम सेम वैसे ही जैसे हम फंदा कम कर रहे थे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये एक ये इन दोनों को दो का एक कर देंगे अब हर सीधी सिलाई में हमने ऐसे ही दो का एक दो का एक करते हुए ना फंदों को कम करते जाना है कितनी देर कम करना है जब तक सिलाई में ट्वेंटी फोर फंदे चौबीस फंदे ना रह जाए बारह जोटे रहने चाहिए तब तक हमने फंदे को ऐसे ही बंद कर दे जाना है यहां से हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है यहां से हमने कोई घटाई नहीं डालनी है सिर्फ गले की घटाई सीधी तरफ से एक एक फंदा ऐसे घटाते जाइए बहुत आसान डिजाइन है आप बिल्कुल आराम से इसे बना लोगे आगे भी तो ये घटाई करती हूँ मैं फिर आगे दिखाती हूं आपको इसकी एक साइड देखिए हमने सारी बना ली है इसकी जो हमने घटाई की लेंथ बनानी है वो पीछे वाले पल्ले के सेम जितनी ही बनानी है और ये वाले जहाँ तक हमारे ये फंदे कम होते गए हमने फंद फंदे कम करते गए फिर यहाँ पर आकर देखिए ये ऐसे ही जैसे ये बनता गया एक फंदा उल्टा डालकर आगे बना लिया डिज़ाइन खुद ब खुद अपने आप हमारा ये सेट होता जाएगा जब इसे आप बनाते जाओगे इस तरह से जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने बनानी है तो दूसरी साइड की भी हमने सेम वैसे ही घटाई डालनी है यहाँ पर यहाँ पर भी सेम टू सेम हमने ऐसे ही पहले पांच फंदों की घटाई डालनी है और दूसरी तरफ हमने पहले सीधी तरफ से घटाई डाली थी और इस साइड हमने उल्टी तरफ से घटाई डालनी है तो दो फंदों को एक साथ लिया दो का एक एक की होगी फिर से दो फंदों को एक साथ लेंगे दो फंदों की फिर से दो फंदों को एक साथ लेंगे तीन की फिर से दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक बस ऐसे उल्टा बनाते हुए करते जाना है चार फंदों की फिर से दो का एक ऐसे कर देंगे उल्टा बनाते हुए ये पांच फंदों की टोटल घटाई करने के बाद ये बाकी की पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे और सीधी तरफ से जैसे हमने दूसरी तरफ यहाँ पर एक फंदा बिना बुने रखा था ना इस तरफ भी हमने एक फंदा बिना बुने रख लेना है अभी यहां पर हमने चार फंदों की घटाई डालनी है दो फंदों को एक साथ लेंगे इस बिना बुने हुए फंदे को पहले उठाकर ऊपर से गिरा देंगे फिर एक फंदा ये एक फंदा ये दो का एक दो बार फिर से एक फंदा ये एक ये दो का एक तीन बार एक फंदा ये एक ये दो का एक चार बार अब ये बाकी की रो सेम वैसे ही उल्टी उल्टी इस तरह से सीधी तरफ से फिर से हमने एक फंदा ऐसे ही बिना बुने रख लेना है डिजाइन तो ये बिल्कुल आसान है सेट करना जैसे हमने दूसरी तरफ किया था वैसे ही सेम टू सेम इधर वाली साइड भी ऐसे ही बनाते जाएंगे यहां पर देखिए तीन का एक किया है जाली डाली है और बाकी के फंदे मैंने सीधे बना दिए थे अब उल्टी तरफ से हमने चार फंदों की घटाई डाली है और ये उल्टी रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे अब सीधी तरफ से यहां पर लास्ट में देखिए, पहले हमने दोनों तरफ जाली डाली थी लेकिन अब हमने यहां पर दो कैक किया दो कैक करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे और ये तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे फिर हमने यहां पर भी जाली डालते हुए यहाँ पर दो का एक करना है लेकिन वो नहीं करेंगे दो का एक नहीं करेंगे तो जाली भी नहीं डालेंगे जैसे हमने दूसरी साइड में किया था इन फंदों को ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे और ये बिना बुने फंदा है सेम टू सेम वैसे ही रख लेंगे अब उल्टी तरफ से हमने अपने तीन फंदों की कटाई डालनी है तो दो फंदों को ऐसे सिलाई में लिया पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा दिया एक फंदे की एक फंदा ये एक ये दो कैक कर देंगे दो फंदों की फिर से दो फंदे एक साथ सिलाई में लेंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए दो कई कर देंगे तीन फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो सेम टू सेम वैसे ही डालेंगे और सीधी तरफ से भी पूरी रो बना लेंगे अब उल्टी तरफ से हमने अपने दो फंदों की कटाई करनी है इन दोनों फंदों को लेंगे पहले इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे एक फंदे की होगी एक ये एक ये फिर दो का एक कर देंगे दो फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की पूरी रो उल्टी वाली उल्टी और सीधी वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक फंदे की घटाई करनी है और उसके बाद हमारी ये मोडे वाली घटाई कंप्लीट है इस फंदे को उठाएंगे बिना मुंह फंदे को ऊपर से गिरा दिया ये एक फंदे की घटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे अब सीधी तरफ से हमने अपने गले की घटाई स्टार्ट करनी है तो पहले ये रो हम पूरी उल्टी बना लेते हैं अब सीधी तरफ से हमारा ये लास्ट बटन होल भी यहाँ पर आएगा ये चौदह चौदह देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 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 ये हमारी जो उल्टी उल्टी सिलाईया है ना सेम वो डालने के बाद हर पंद्रहवीं रो में मैंने ये बटन होल किया है वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है जब इस बटन होल के बारे में बताया था ना तब बताया था यहाँ पर ऐसे बटन होल करना है अब हमने गले की घटाई करने के सेम टू सेम वहीं पर तो पहले इस फंदे को उतारेंगे इसे उतारा धागा अपनी तरफ ये तीन चार पाँच पाँच फंदे बनाने के बाद थोड़ा सा लूज इसे ऐसे हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बड़े बटन है मेरे पास जो हमने यहाँ पर लगाने हैं तो यहाँ पर का एक कर देंगे इस तरह से का एक करने के बाद अब ये वाले फंदे हमारे उल्टे धागा दूसरी तरफ इस चैन वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब एक फंदा ये वाला एक फंदा ये सीधा इन दोनों को दो काय कर देंगे यहाँ से हमने अपने गले की घटाई भी स्टार्ट कर दी है अब धागा दूसरी तरफ अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर दो का एक कर रहे थे ना जाली डाल रहे थे वो वाले फंदे नहीं डलेंगे अब वो डिजाइन नहीं डलेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गले की घटाई डालना हमने स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पर एक फंदा तो हमारे ये कम हो गया है तो इन फंदों को तो हमने सीधा ही सेम टू सेम ऐसे ही बना लेना है क्योंकि देखिए ये डिजाइन हमारा खत्म हुआ है डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो है यहाँ तक ये यह फंदे बनाए अब यहाँ से हमने अपना तीन काय करना है धागा अपनी तरफ करते हुए इन दो फंदों को आगे से स्लाइड डालते हुए उतार लेंगे इसे सीधा बनाएंगे बाकी की सेम टू सेम वैसे ही सारी रो चलेगी जैसे हम देखिए यहाँ से नीचे से बनाते आ रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही ये दो काय करने के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस फंदे टोटल हमारे सीधे बने हैं ठीक है उसके बाद ये तीन का एक किया है जाली डाली है आगे की पूरी रो सेम वैसे ही बना लेंगे उल्टी रो भी सेम वैसे ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं इस चैन वाले फंदे को भी सीधा वैसे ही बनाना है इस फंदे को सीधा जो हमारा यहाँ से उल्टा और इधर से हम सीधा बना रहे हैं उस फंदे को उल्टी तरफ से सेम वैसे ही सीधा बनाएंगे ये सारा बना लीजिए फिर यहाँ पर बताती हूँ आपको अब सीधी तरफ ही है और हम उसी रो में है लास्ट में हमने, हमने यहाँ पर भी अपना जाली वाला डिजाइन बनाना है और दो का एक करना है तो ये तीन का एक करने के बाद हमने जाली डाली जाली डालने के बाद हमने सेम वैसे ही जैसे हम यहाँ पर आठ फंदे बना रहे थे यहाँ पर भी हमारे आठ फंदे सेम टू तो सेम वैसे ही बन गए हैं अब हमने आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करना है दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ करना है और ये एक फंदा सीधा बना लेना है बिल्कुल वैसे ही अब सीधी तरफ से फिर से हमने देखिए बटन पट्टी के फंदे बनाए चैन वाला फंदा उतारा धागा अपनी तरफ किया यहां पर दो का एक कर देना है अब सिंपल हमने ऐसे ही हर बार दो का एक करना है सीधी तरफ से उल्टी तरफ से नहीं करना है सेम टू सेम इसी जैसे दूसरी तरफ हमने डिजाइन डाला है ना बनाया है बिल्कुल वैसे ही गले की घटाई हमने इस तरफ भी डालनी है देखिए इस तरह से हमने यहां से शुरू किया था देखिए यहां से शुरू किया था पहले ये सीधे फंदे थे जो हमारी देखिए जो हमने घटाए हैं और उसके बाद ये सारा एक एक फंदा करके हम घटाते गए हैं ये इस तरह से देखिए यहां पर ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हमने ये वाले फंदे घटाए हैं ना सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों साइड की देखिए कटिंग हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है इस साइड में भी मैंने सेम उसी तरह से कटिंग कर तैयार कर ली है अब इस जैकेट में कांदे के फंदे जोड़ना बाजू का बॉर्डर बनाना और इस पट्टी को जैसे हम सिंपल पहले मैंने कई बार आपको बताया भी है उस तरीके से कि हम इस बटन पट्टी को अकेला ही बनाते हैं फिर सिलाई करते हैं ना पीछे वाले पल्ले के साथ लेकिन अब मैं नए मेथड से आपको बताऊंगी पिछली वीडियो में मैंने एक क्रीम कलर की जैकेट बनाई थी उसमें भी मैंने इसे बताया था कि साथ के साथ पिछले पल्ले के साथ सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत स्मूथ ये कटाई होगी हमारी ये सारा कुछ नेक्स्ट पार्ट में आज के पार्ट में बस इतना ही पहले इतना बना लीजिए फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा इसका तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो ना बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय हैव अ नाइस डे